गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में निशा रियलिटी लाइफ ब्लॉग में। और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार। चलिए मैं बता रही हूँ कि मैं अभी क्या क्या करने वाली हूँ। आजकल तो आप लोग जानती हैं कि मेरे घर में काम चल रहा है, तो थोड़ी अस्त व्यस्त है मेरी लाइफ अभी। तो चलिए मिलते हैं किचन में। देखिए, आप लोग देख सकते हैं अभी किचन में सिंक में बर्तन पड़ा हुआ है और किचन पूरा फैला हुआ है, जैसे तैसे एकदम, मतलब बहुत गंदगी फैल रखी है किचन में। तो सब्जी भी खत्म है, पहले चाय बना लेती हूँ, चाय पी लूँगी उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो आप लोग जानती हैं कि काम चल रहा था, काम से ज़्यादा आगे नहीं अभी पड़ा है, बस वही हम लोग अभी कपड़ा उसको उजाड़ रहे हैं और उजाड़ने के बाद उसको धीरे धीरे से, मिस्त्री अभी तक आया नहीं है क्योंकि कहीं बिजी है, तो एक दो दिन के बाद वो आएगा और सुधांश को ज़्यादा काम हो नहीं पा रहा। और कैसे कैसे लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत साफ सफाई हो रही है उसकी, ऊपर के फ्लोर की और छत की साफ सफाई के बाद उसको हम लोग मिस्त्री को लगाएंगे और वो आएगा। तो अभी ज़्यादा तो कुछ नहीं, एल्वेस्टर की प्लानिंग हो रही है कराकट की, और अभी शुभांशु जी आगे पूजा करवा रहे हैं। फिर से एक कमेंट आया हुआ था, उसको पूछा गया था कि क्यों हो रहा है झगड़ा। तो झगड़ा इसलिए हो रहा है कि इन लोगों का कहना है कि मैं यहाँ से जाऊँ, जबकि आप लोग बताइए कि ये मेरा अपना कह रहे हैं, तो मैं यहाँ से कहाँ जा सकती हूँ। मुझे तो यहाँ रहना ही होगा किसी भी हाल में, और मेरे हस्बैंड का ये अपना घर है, दादा जी का घर कुछ कह रही, तो यहाँ से हम कहाँ जाएंगे आप लोग बताइए। तो झगड़ा का तो मेन रीज़न यही है, और क्यों ना हो झगड़ा। अगर आप कभी बाहर से आए और जब आप बाहर रहते होंगे, तो मान लीजिए कि जब मैं बाहर में झारखंड में रहती थी, वहाँ मेरे सास ससुर जाके मेरे साथ रहते थे, और अच्छा खासा समय बिताते थे वो लोग मेरे यहाँ। और अब जब मैं वापस आई हूँ गाँव में रहने के लिए, तो ये प्रॉब्लम हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए तो यहाँ कोई झगड़ा होना ही नहीं चाहिए था, पर इन लोगों का कहना है कि तुम लोग बाहर थे तो बाहर ही रहो, गांव पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ की जो भी प्रॉपर्टी है, बस मैं अपनी बेटी को दूंगी और छोटे वाले बेटे को दूंगी, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो बताइए आप लोग, क्या ये सही है? बस झगड़े का यही रीज़न है और कुछ नहीं है, बस इसी बात को लेकर विवाद चल रहा है। और वीडियो आप देखिए इतना लंबा हो चुका है कि कोर्ट में पहुँच गया है। देखिए फ्रेंड्स, जो अभी हो रहा है मेरी लाइफ में, उसी के ऊपर मैंने एक कविता बनाई है, और वो कविता आज से शायद 3 महीने के लगभग पहले मैंने पोस्ट की थी। और वो कविता, सच पूछे तो, वो मेरी ज़िंदगी में जो घटना घटित हो रही है, मैंने उसी से प्रेरित होकर बनाई है। हाँ, उसमें जो उसका टोन है वो थोड़ा सा किसी, मतलब ब्लॉगर से मिलता है, जो जानी मानी एक कवित्री है, लेकिन वो कविता का जो बोल है वो मेरा अपना है, और जो मेरे साथ हो रहा है वो घटना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा अजीब सिचुएशन से गुजर रही थी। जब पहला बार ऐसा हुआ कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मेरा हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया गया, मेरे देवर ने मेरा हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकाल दिया, तो उस समय अजीब लगा मुझे, बहुत थे मायके में और कोई नहीं था, पापा भी एक्सपायर कर गए, और अब मेरे मायके में कोई नहीं बचा हुआ है, मैं अकेली, मतलब संतान के अपने पिताजी की, और जिसका मैंने 10 साल सेवा किया, ससुराल वाले का बिहेवियर अगर ऐसा हो जाएगा अचानक, जब आपकी ज़रूरत इन लोगों को हो तो ये लोग आपसे काम निकलवा लें, और जब आपको ज़रूरत पड़े यहाँ आने की और इन लोगों की, तो ये साइड हो जाए, पल्ला झाड़ ले। तो हालात कुछ ऐसे ही हो गए थे मेरे साथ, और उसी के बाद मैंने वो कविता पोस्ट की थी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग सुन सकते हैं वो कविता। बस झगड़े का यही रीज़न है और कोई खास रीज़न नहीं है, ना मैं इन लोगों से खाना मांगती हूँ ना कुछ, जैसे भी होता है हम, मेरे पति अपनी फैमिली को खुद ही चलाते हैं, लेकिन अब मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो
जायज हिस्से की मतलब जो भी है वो मुझे मिल जाए, क्योंकि जब इतना हो चुका है, अगर एक माँ खुद ऐसा करे अपने बच्चे के साथ तो बहुत अजीब लगता है। जिस चीज़ का आपको आशा नहीं होता है वो अगर आपकी लाइफ में होने लगे तो सोचिए किसे फेस करना कितना मुश्किल होता है। हम लोगों से खाना तक नहीं खाया जाता था, ना मेरे हस्बैंड खा पाते थे ढंग से, ना हम। जब शुरू में हमारे साथ ऐसी घटना हुई थी तो अब तो खैर 3 साल बीत गए हैं और 3 साल में मैं भी बहुत अपने आप को मजबूत बना चुकी हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे मायके में कोई नहीं है कि जिससे मैं इन बातों को, सारी घटनाओं को शेयर कर सकूँ, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। ओके फ्रेंड्स, ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगी क्योंकि अभी पंचो भी घर पे है नहीं और किचन में आपको देख सकते हैं कि मुझे बहुत सारे काम करने हैं अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और बातों को शेयर करेंगे और आप लोग मुझे जितना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए वेरी वेरी थैंक्स। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।